उत्तर प्रदेश के बरेली में दलित सेना की जिला अध्यक्ष के घर चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। पुलिस द्वारा खाना पूर्ति किए जाने के खिलाफ दलित सेना ने SSP को ज्ञापन देकर चोरी का खुलासा करने की मांग की है। दलित सेना की जिला अध्यक्ष ऋतु शर्मा सम्राट अशोक नगर बारादरी की है। उनके पति कृष्ण दत्त शर्मा का देहांत 24 अप्रैल को हो गया था। 21 सितंबर को वो अपने पति की अस्थियां लेकर हरिद्वार गई थी। दोपहर में ऋतु शर्मा के भाई राजीव शर्मा ने कहा, मैंने गेट का दरवाजा बंद कर दिया लेकिन अंदर का दरवाजा खुला पड़ा था। रात 8 बजे वो अपने घर बरेली पहुंची तो मैन गेट का ताला खोला, देखा कि सामान बिखरा पड़ा है। 1.5 लाख नगद और सोने चांदी के जेवरात गायब थे। लगभग 10 लाख का सामान था। आज दलित सेना के कार्यकर्ताओं ने SSP से चोरी का खुलासा करने की मांग की है। पुलिस ने खुलासा नहीं किया। अब हम और संगठन SSP ऑफिस में 9 अक्टूबर को धरना देंगे। मेरा नाम ऋतु शर्मा है। चोरी का मामला है, 21 तारीख को चोरी हुई है और उसके बाद भी आज तक पुलिस प्रशासन बस कानों में तेल डाल के बैठी हुई है, कोई प्रक्रिया नहीं है। दिन की चोरी है, दिन में डाका पड़ गया, मतलब 5 बजे से जैसे मैं निकली हूँ तुरंत मेरे घर में चोरी हुई, उसके बाद आज तक पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं SSP से भी मिली हूँ, ADG से भी मिली हूँ, मैंने जिला अधिकारी को भी दिया इस चीज को संज्ञान में लेते हुए, उनसे भी मिली मैं, लेकिन मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तब की माननीय पप्पू भटौल जी से भी मैं मिली हूँ, उन्होंने भी इस चीज़ को संज्ञान में लिया है। आज फिर मैंने अब लास्ट में एक मेरे पास एक चारा बचा हुआ है कि मैं अपने संगठन के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ मैं अपने बच्चों को लेकर मैं SSP ऑफिस पे बैठूंगी और तब तक बैठूंगी जब तक मेरा माल मुझे बरामद नहीं हो जाता। धरने पे बैठूंगी, मैंने आज दे दिया, नोटिस दे दिया है। हाँ जी, 9 तारीख से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कितना माल गया था आपको? 10 से 12 लाख का है नकदी। और देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।